इस कंपनी ने अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही यूनिक ऑनलाइन टू ऑफलाइन मॉडल चलाया 5 साल के लिए, उस टाइम पर जिस टाइम इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं था। बेसिकली ये कंपनी प्रोवाइड करती थी इंडिया के सारे एक्सपोर्टर्स की एक लिस्टिंग फ्री में, एंड उसके बाद जो इंक्वायरीज इनको रिसीव होती थी इन एक्सपोर्टर्स के बिहाफ पे, उसको ये प्रिंट करवा के हर शाम बाय पोस्ट हर उस एक्सपोर्टर को भेजा करते थे जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता। बात कर रहा हूं दिनेश अग्रवाल लेड इंडिया मार्ट की, करती है लगभग 400 करोड़ का रेवेन्यू हर साल। 1995 में जब दिनेश अपनी यूएस वाली जॉब को छोड़कर इंडिया में एक इंटरनेट बिजनेस को सेटअप करने का सपना लेकर इंडिया में आते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि इंडिया में सिर्फ अभी 15,000 ही इंटरनेट कस्टमर्स हैं। बट वो अपनी हिम्मत ना हारते हुए और अपना फोकस क्लियर रखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर, स्टार्ट करते हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स के साथ B2B सर्विसेज का बिजनेस। 2000 में .com बबल आने के बावजूद ये कंपनी सर्वाइव और थ्राइव कर पाती है बिकॉज ऑफ इट्स फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। बाकी इंटरनेट कंपनीज कर जाती है कोलैप्स, इंडिया मार्ट इमर्ज होता है एज लार्जेस्ट B2B लिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। का परसेवेरेंस और उनका प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर फोकस उनको हेल्प करता है अपनी कैटेगरी में आज सबसे बड़ा लीडर बनने।